हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थ्रेसर मशीन एवं वारदात के दौरान उपयोग में ली गई जीप के साथ दो आरोपी गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोगी के आदेश अनुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह एवं सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार के सुपरविजन में वर्तमान बढ़ती चोरियों की वारदातों को गंभीरता से लेते हुए सोजत थाना अधिकारी रामेश्वर लाल भाटी के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 2 लाख रुपए की एक थ्रेसर मशीन एवं वारदात के दौरान उपयोग में ली गई एक जीप बरामद की गई। थाना अधिकारी रामेश्वर लाल भाटी ने बताया कि प्रार्थी ओगरराम पुत्र मगाराम जाति सिरवी निवासी बोयल ने 16 जून को एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मौजाबाल में रेलियों के मार्ग पर स्थित मेरे खेत में बाड़ा आया हुआ है, जहां पर एक थ्रेसर मशीन रखी हुई थी, जिसको 8 जून की रात्रि में अज्ञात चोर चुरा कर ले गए, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर एक टीम का गठन कर जांच शुरू की तथा क्षेत्र में दिन रात घूमने वाले संदिग्ध वाहनों की तलाशी एवं आसपास के रहने वाले लोगों तथा संदिग्ध व्यक्तियों एवं ट्रैक्टर चालकों को थ्रेसर मशीन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसके बाद सुरेश पुत्र गोपाराम जाति सिरवी निवासी रोहिड़ा वाला खारिया मीठापुर एवं कल्याण पुत्र बाबूलाल जाति सिरवी निवासी रोहिड़ा वाला खारिया मीठापुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो उन्होंने थ्रेसर मशीन चोरी करना स्वीकार किया, जिसके बाद पुलिस ने उनके कब्जे से थ्रेसर मशीन एवं वारदात के दौरान उपयोग में ली गई जीप बरामद की गई। इस गठित टीम में सीआई रामेश्वर लाल भाटी, मुख्य आरक्षी मादा राम, सह उप निरीक्षक प्रेम सिंह, कांस्टेबल महेंद्र कुमार, जेठू सिंह, दिलीप, विजय कुमार आदि शामिल थे। जागरूक टीवी के लिए सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।